लेसन हमने पढ़ा था ऊष्मा का, उसमें से कुछ कुछ ज्ञान हुआ आपको, कुछ कुछ बातें पता चली कि ज्यादा वस्तु को ज्यादा समय क्यों लगता है गर्म होने में, कम वस्तु को कम समय क्यों लगता है, हमको ठंडी और गर्मी महसूस क्यों होती है। कल हमने दो पॉइंट्स याद किए थे कि एक तो वस्तु का द्रव्यमान, ऊष्मा की मात्रा किस पर डिपेंड करती है, आपकी गैस कितनी खर्च होगी ये किस बात पर निर्भर करता है, द्रव्यमान, कि आप कितने जनों का रोज खाना बनाते हैं। अगर दो जने का बनाएंगे तो कम ऊर्जा, चार जने का बनाएंगे तो ज्यादा ऊर्जा, छह जने का बनाएंगे तो और ज्यादा ऊर्जा। जैसे जैसे मात्रा को बढ़ाते जाओगे ऊर्जा की मात्रा भी बढ़ती जाएगी, ऊष्मा की मात्रा भी बढ़ती जाएगी। और दूसरा था डेल्टा तापांतर, क्या कहते हैं इसको, और हमारा टॉपिक क्या है, ऊष्मा। ऊष्मा क्या होती है, हीट, एक प्रकार की ऊर्जा होती है। इसको नापते किससे हैं, तापमापी या थर्मामीटर। इस थर्मामीटर में और डॉक्टर के थर्मामीटर में फर्क होता है। डॉक्टर का थर्मामीटर छोटा होता है और फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस में, दोनों में होता है और उसमें इतने सारे अंक नहीं हो। हमारे शरीर का तापमान कितना है, कितना, हमारे शरीर में जब बुखार आता है तो कभी देखा नहीं है, हाँ यस बताओ, अगर 100 होता है तो क्या कहते हैं, है बुखार है। अगर ये आ जाए, -98.4 degree Fahrenheit या 37 degree Celsius, तो इसको हमारे शरीर का सामान्य जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो कहा जाता है। ज्यादातर हम लोग फ़ारेनहाइट को यूज करते हैं कि 98.4 degree Fahrenheit है। अगर मुझे थोड़ा सा भी मेरा शरीर गर्म हो रहा है तो महसूस होता है, तो डॉक्टर जब थर्मामीटर लगाता है तो कहता है मामूली बुखार है, तो वो कहता है 99 डिग्री है। अगर थोड़ा ज्यादा है तो 100, और ज्यादा 101, और ज्यादा, जब मैं आपके वो ऐसे छूंगी और डॉक्टर जैसे यहाँ छुएगा कहेगा अरे इसका शरीर तो तप रहा है, मतलब 102, 103, 104 भी होता है, और लेकिन 104 के बाद खतरा शुरू हो जाता है, बर्फ की पट्टियां 3 पर ही शुरू कर देते हैं हम लोग लगाना, टेम्परेचर कम कर। तो समझ में आया, ये वही चीज है जो ये तापमापी देख रहे हो, ये वही चीज है, लेकिन ये प्रयोगशाला की है और वो डॉक्टर की है। हमारे शरीर का तापमान ये होता है। तो हम लोग बात कर रहे थे पानी के तापमान की, हम लोग अपने शरीर के तापमान का तो मैंने एक उदाहरण देके आपको समझा दिया, लेकिन हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, अब पानी की हम लोग उदाहरण ले रहे थे कि पानी की मात्रा पर, द्रव्यमान पर और उसके तापांतर पर निर्भर। आज एक नया एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग, ये क्या है, सरसों का, क्या करते हैं, सब्जी छौंकते हैं, खाना बनाते हैं, पूरी तलते हैं, सब्जी करते हैं, रिफाइन में करते हो कि नहीं, सारे काम करते हो। अच्छा, अंजलि और आरती, आरती इसमें थोड़ा सा तेल डालो, और अंजलि आप इसमें थोड़ा सा पानी डालो, हाँ बस नहीं थोड़ा और डालो, मुझे ये नापना है, पानी, हाँ बस ठीक है, हाँ ठीक है, अब आप दिखाओ आपने क्या लिया है, ये क्या लिया है, तेल, और इसने क्या लिया है, पानी, हाँ पानी लिया है इसने, अब आप इसको गर्म करो, ये
खुजबैदा क्या होगा? तेल जल्दी गर्म होगा। और कौन कह रहा है कि तेल जल्दी गर्म होगा? मालती कह रही है तेल देर से गर्म होगा। बिंदु, तेल जल्दी गर्म होगा कि क्या? तेल जल्दी गर्म होगा। आप खाना बनाते हो? हाँ, क्या चीज जल्दी गर्म होगी? तेल। देखो दोनों को बराबर का समय देंगे हम लोग। गरम हो रहा है, हो रहा है गरम। अब तुम यहाँ आ जाओ अंजलि। हाँ देखो, इसने धीरे से तेल को छुओ। गरम है? गरम है? है बहुत गरम है। छुओ, बहुत गरम है। हाँ बहुत गरम है ना। अब हम इससे नापते हैं थर्मामीटर से कि कितना हुआ है गरम। इसमें डाला और हमने ऐसे निकाला। अब इसकी वो देखो चमक कहाँ तक आ रही है, किस नंबर तक? 60 समथिंग आ रही है। यस आंटी, ना इसकी ज्यादा होनी चाहिए। 60 समथिंग आ रही है। देखो इसको डाला हमने ऐसे, इसका तापमान नापा तो ये 60 से थोड़ा ज्यादा आ रहा है। ठीक है, अब अंजलि तुम्हें भी उतना ही टाइम लग रहा है कि ज्यादा? करो करो। देखो अभी हम इसके तेल को हम इसको साफ कर देते हैं। इसमें तेल लग गया था ना? हाँ चलो, नहीं ये तो वो था। हाँ अगर अब हम इस तापमान, जैसे इतनी देर तक, जितनी देर तक मैंने तेल को गर्म किया उतनी देर तक मैंने पानी को गर्म किया, और जब मैंने पानी का तापमान लिया तो पानी का तापमान 55 या 50 डिग्री निकला और तेल का तापमान 60 डिग्री निकला। मतलब तो जैसे अगर मैंने इसको यूं नापा ऐसे करके और इसमें देखा तो इसमें 55 या 55 से थोड़ा कम आ रहा है, उसका 60 से ज्यादा, जबकि समान मात्रा में हम लोगों ने तेल लिया था। आपने देखा दोनों की मैंने जो मात्रा थी करीब करीब, मतलब बराबर ही समान मात्रा में तेल लिया, समान मात्रा में पानी लिया और दोनों को गर्म किया। तो ऐसा क्यों हुआ कि पानी तो देर से गर्म हुआ और तेल जल्दी गर्म हो गया, तो ऐसा क्यों हुआ? कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों हुआ? पानी हल्का, तेल गर्म। अच्छा हाँ, एक मिनट पूर्णा यहाँ आओ, यहाँ आओ। तुमने मुझे बोला कि पानी भारी है और तेल नहीं, पानी हल्का है और तेल भारी। यहाँ आओ। तो अगर ऐसा है तो तेल को ज्यादा देर लगनी चाहिए थी, तो तेल को ज्यादा देर लगनी चाहिए थी तो पानी क्यों जल्दी हो गया? जो ये बात कह रही है ना, ये क्या है? ये क्या है? मिलाऊं दोनों को? मिलाऊं? देख ये कह रही है ना, ये क्या है? भारी देखो पूर्णा, तेल हल्का है, तेल हल्का है, पानी पर तैरता है। अगर ये भारी होता तो नीचे बैठ जाता। अब समझी? बैठो। ये तेल, कोई भी जो ऑयल है ना वो पानी से क्या होते हैं? पानी से हल्के होते, पानी में घुलते नहीं है, उनके ऊपर तैरते हैं। इनकी एक विशिष्ट ऊष्मा होती है। जो लिक्विड्स होते हैं, जितने भी द्रव होते हैं, उन सब की एक विशिष्ट ऊष्मा, जिसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट। इंग्लिश में कहते हैं स्पेसिफिक हीट और इसको कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा। हर पदार्थ की एक, हर लिक्विड की अलग अलग स्पेसिफिक हीट होती है। इस पर भी डिपेंड करता है कि वो चीज कितनी देर में उबलेगी या उसको ऊष्मा की कितनी आवश्यकता होती है। मतलब ऊष्मा की, मात्रा द्रव की स्पेसिफिक हीट को हम लोग एस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? एस, ऊष्मा की मात्रा द्रव की स्पेसिफिक हीट।
शिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करती। अब हमको ये बताना है कि जो भी ऊष्मा या जिस वस्तु को हम लोग गर्म करते हैं तो उसके लिए कौन कौन सी बातें हमने ध्यान में रखी। सबसे पहले हमने उसका क्या देखा, द्रव्यमान। अगर उसका द्रव्यमान ज्यादा है तो ऊष्मा भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अगर उसमें तापांतर डेल्टा टी, इसको क्या कहते हैं, डेल्टा टी, अगर तापांतर ज्यादा है तो क्या होगा, ऊष्मा कम लगेगी कि ज्यादा, तापांतर ज्यादा है। ये मैंने समझाया था अभी कि बर्फ को अगर हम गर्म करते हैं तो ज्यादा समय लगता है, और अगर एक नॉर्मल पानी को हम लोग गर्म करते हैं या जो नॉर्मल टेम्परेचर पर है इसको गर्म करते हैं तो ये इसका टेम्परेचर अगर 40 डिग्री है तो इसको 100 तक पहुंचने में कम समय लगेगा, और अगर इसका टेम्परेचर 5 डिग्री है तो इसको 100 तक पहुंचने में ज्यादा समय, किसको ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि दोनों का तापांतर कितना हुआ, ये 5 है, इसको 100 तक पहुंचना है, ये 40 है, इसको 100 तक पहुंचना है, उबलना है, तो काम किसको ज्यादा करना पड़ेगा, बर्फ पहले पिघलेगी, गर्म होगी, तब जाके 100 तक पहुंचेगी। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, तापांतर। और तीसरा पॉइंट जो आज हमने नोट किया वो है हम किस चीज को गर्म कर रहे हैं, क्या हम तेल को गर्म कर रहे हैं, हम पानी को गर्म कर रहे हैं कि देसी घी है कि रिफाइंड है, हम लोगों ने कौन सा द्रव लिया है। एक और भी आपको आश्चर्य होगा, जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल क्या होता है, शराब जो जिसको हम लोग कहते हैं, उसका भी स्पेसिफिक अलग होती है, पानी की स्पेसिफिक हीट विशिष्ट ऊष्मा अलग होती है, जितने भी ये ऑयल हैं इन सबकी अलग अलग विशिष्ट ऊष्मा होती है। अगर ये हो सकता है वनस्पति ऑयल है, घी है, देसी घी है कि सरसों का तेल है, इन सबकी एक अपनी विशिष्ट ऊष्मा होती है। इस बात पर निर्भर करता है कि वो कौन सा लिक्विड आपने लिया है। अब इन तीनों चीजों को हम लोगों ने जान लिया, किस किस को, पड़ोस को, एम डेल्टा टी और एस। एस क्या है, विशिष्ट ऊष्मा, केवल ऊष्मा नहीं बोलिएगा, क्योंकि ऊष्मा का नाम हम दूसरा देने वाले हैं अभी, जैसे इनके हमने नाम दे दिए ना कि द्रव्यमान m मतलब मास, तापांतर डेल्टा टी और विशिष्ट ऊष्मा s, इससे एक फॉर्मूला ड्राइव होगा, ठीक है। अब हमें ये बताना है ऊष्मा की मात्रा, जैसे आपने जब 2 कप चाय बनाई तो आपकी गैस कितनी खर्च हुई, और अगर आपने 4 कप चाय बनाई तो आपकी गैस कितनी खर्च हुई, तो वो जो गैस का माप है उसको हम क्या कहेंगे, ऊष्मा की मात्रा, मतलब उसकी क्वांटिटी, हमारा कितना एनर्जी उसमें खर्च हुआ, उसको कहते हैं क्यू। क्वांटिटी मतलब क्यू, हमें ऊष्मा की कितनी मात्रा खर्च करनी पड़ी। अगर मैं ये कहूं कि मुझे 1 लीटर पानी को गर्म करना है तो मुझे कितनी ऊष्मा लगेगी, 1 लीटर पानी को बॉइलिंग पॉइंट तक लाना है, जैसे 100 डिग्री तक लाना है, तो वो पता करने के लिए मुझे इन 3 चीजों का ज्ञान होना जरूरी है। सबसे पहले तो उसका वजन कितना है उस पानी का, उसका तापांतर कितना है और उसकी विशिष्ट ऊष्मा कितनी है, तब हमें ये पता चलेगा कि मैं कितनी देर तक गैस को जलाऊं, कितनी ऊष्मा उसमें लगाऊं कि मेरा पानी 100 मिलीलीटर बॉईल होने लगे। इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है, उसको हम लोग कहते हैं क्यू इज इक्वल टू एम इंटू एस इंटू डेल्टा टी। अगर हम हिंदी में लिखें इसको, सब लोग अपनी कॉपीज में इस फॉर्मूले को नोट करिए, क्योंकि जितने भी सवाल मैं आगे कराऊंगी सब इसी से हल होंगे। हम आगे सवाल करेंगे, जैसे मैथ्स में सवाल करते हैं न्यूमेरिकल्स, इसमें भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो जब हम करेंगे तब आपको इस फॉर्मूले की बार बार आवश्यकता पड़ेगी, बार बार जरूरत पड़ेगी, इसीलिए इसको कॉपी में नोट कर लो। ऊष्मा की मात्रा
मतलब क्यू। इसमें हमें किन तीन चीजों की आवश्यकता है? एम। एम क्या होता है? द्रव्यमान। गुणा एस क्या होता है? एस बताइए, विशिष्ट ऊष्मा। और डेल्टा टी इंटू तापांतर। अगर हिंदी में हम लोग इस फॉर्मूले को लिख रहे हैं तो द्रव्यमान, विशिष्ट ऊष्मा और तापांतर, और अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। समझ में आया कि इस फॉर्मूले से ऊष्मा की मात्रा q को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लोग उसका गुणांक निकाल सकते हैं। और इसको हम लोग किस में नापते हैं? जूल्स, जूल्स या कैलोरी। जैसे उसका सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, इसको क्या बताया था मैंने? सेल्सियस या फ़ारेनहाइट, उसको निकालेंगे। जूल्स या कैलोरी में उसको मापा जाता है। ऊष्मा का मात्रक क्या है? कैलोरी। ये शब्द कहीं आपने पढ़ा है पहले? कैलोरी पढ़ा है? कहाँ पढ़ा है? ब्रेड पे पढ़ा है। बहुत सही तुमने कहा, कैलोरी ब्रेड आती है। कैलोरी पता है क्या होती है? हम लोग आजकल सब लोग पतले होना चाहते हैं ना, कोई मोटा नहीं होना चाहता है। हम कहते हैं हम ना केक नहीं खाएंगे, हम समोसा नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? मोटे हो जाएंगे। क्यों मोटे हो जाएंगे? फिर उसमें ज्यादा कैलोरी है, उसमें ज्यादा शक्ति है, ज्यादा ऊर्जा, मतलब ज्यादा तेल है, मतलब उसमें ज्यादा फैट्स डले हुए हैं। तो ये कैलोरी शब्द उसी से निकाला गया है। कैलोरी मतलब हमारे शरीर को जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो भी कैलोरी में नापी जाती है। अब जैसे हम 100 ग्राम केक खाते हैं या 100 ग्राम बिस्किट खाते हैं, उससे हमें कितनी कैलोरी ऊर्जा मिल रही है। इसीलिए ऊष्मा का मात्रक क्या हुआ? कैलोरी, और या फिर हम लोग इसको जूल्स, जूल्स में भी नापते हैं। आज आप लोगों को पता चल गया होगा कि तेल जल्दी गर्म क्यों होता है और पानी को, अच्छा दूध और पानी दोनों को एक साथ उबालने को। आज हम आपको एक घर के लिए एक प्रोजेक्ट दे रहे हैं, घर का एक मैं काम दे रही हूँ, होम असाइनमेंट है आपका, और सबको अपने किचन में करना होगा। ठीक है, आप एक भगोने में या एक कटोरी में या जिसमें आप चाहो, मतलब बराबर मात्रा में दूध लेना और बराबर मात्रा में पानी, जैसे एक कप पानी तो एक कप दूध, दोनों को उबालने को रखना, देखना कौन सी चीज पहले उबलती है। नहीं अभी मत बताओ, अभी कोई नहीं बताएगा, घर जाके करोगे, मुझे कल बताओगे कि पानी पहले उबला था कि दूध पहले उबला था, तब मैं बताऊंगी कि स्पेसिफिक हीट कैसे उसके तापमान को कम और ज्यादा कर। समझ गए? क्योंकि पानी और दूध अलग अलग चीज है। जैसे ये पानी और तेल था, अगर आप चाहो ज्यादा काम करना चाहते हो तो पानी और तेल का भी करके देखना। कढ़ाई रखोगे पूरी तलने के लिए कि कढ़ाई जल्दी गर्म होती है कि पानी वाली कढ़ाई जल्दी गर्म होती है? जरूर करिएगा। तुम लोग करते हो कि नहीं? जो मैं विज्ञान में पढ़ाती हूँ उसको घर में जाके करके देखना चाहिए, तभी ज्यादा विश्वास होगा और ज्यादा समझ भी आएगी विज्ञान। विज्ञान हमारे रोज की जिंदगी में हम लोग